हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एडमिट कार्ड 2024 के बारे में। तो जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज की जाएंगी, डाउन कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है वीडियो में। तो मेक श्योर कि वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें, जो सीटेट का जो एग्जाम है वो 7 जुलाई को कंडक्ट की जाएगा। बाकी ये पूरी वेबसाइट जो है collegedekho.com पर ये आर्टिकल अवेलेबल है। इनके हिसाब से तकरीबन कह रहे हैं कि 5 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड रिलीज की जाएंगी। एक्सपेक्टेडली ये है, shikshadot.com का ये आर्टिकल है, इनके हिसाब से तो फिलहाल ये है। लेकिन जनरली जो एडमिट कार्ड होते हैं वो 48 आवर्स पहले रिलीज की जाते हैं, 48 से 72 आवर्स, 4 या 5 आप मेहनत मानते हैं इससे पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जनरली जो ज़्यादा आर्टिकल्स अवेलेबल हैं वो 5 से पहले कह रहे हैं आने की, और टाइमिंग जो क्रूशल रहती है वो जनरली 5 से 7 दिन रहते हैं। तो तकरीबन जो है 2 या 3 जुलाई में आपके एडमिट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, 2 या 3 के अराउंड आपके एडमिट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। टाइमिंग जो है वो शाम के वक्त है, शाम के 6 बजे के अराउंड, अगर शाम में आते हैं तो, क्योंकि जनरली आजकल जो अपडेट्स आ रहे हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स और जी न्यूज़ पर एडमिट कार्ड रिजल्ट के, जनरली शाम के वक्त ज़्यादा आते हैं। इसको डाउन कैसे करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक आपको रिकमेंडेड टैब या फिर रिटर्न सेक्शन में जाके मिलेगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करना होगा यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद आपके एडमिट कार्ड शो जाएंगे स्क्रीन पर। थैंक यू।